आपके साथ सपना शुक्ला, नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात अल शिफा अस्पताल की करते हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर तलाशते हुए इसराइल को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन न कमांड सेंटर मिला है न ही हमास। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को जमीन निकल गई है। हालांकि इसराइल ने अब भी हार नहीं मानी है, उसने अब जो सबूत पेश किए हैं उसमें हमास को नई तरह की साजिश नजर आ रही है। से जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन अल शिफा। अब तक नहीं मिला हमास का कमांड सेंटर। अस्पताल में मरीज तोड़ रहे दम। अस्पताल में कमांड सेंटर होने के इजरायल के दावे में कितना दम? अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने के इजरायल की सेना ने कुछ सबूत दिए, जैसे एमआरआई मशीनों के पीछे से मिले हथियार, कुछ वर्दी, कुछ गोली और एक सुरंग वाली तस्वीर भी है, लेकिन कमांड सेंटर जैसी कोई बात इन तस्वीरों में नहीं दिखती। सवाल है, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या फिर फेल हो गई? हमास का कमांड सेंटर अस्पताल में कहां है? क्यों इसराइल की सेना अब तक पता लगाने में नाकाम है? क्या हुआ? क्या अस्पताल के नीचे सुरंग में या अस्पताल के किसी कोने से कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर कहा जाए कि इसराइल का यह दावा झूठा है कि हमास ह्यूमन शील्ड की तरह अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है और ये अस्पताल ही हमास का कमांड सेंटर है? अस्पताल में हमास कमांड सेंटर कहां से ऑपरेट करता है? इसराइल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल कंफर्म मानकर अल शिफा अस्पताल में 1000 से ज्यादा इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के कमांडो घुस गए कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अस्पताल कैंपस में टैंक तक उतार दिया। अस्पताल को चारों ओर से इसराइल की फौज ने घेर लिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इसराइल ने सर्किल ऑफ डेथ खड़ा कर दिया। अस्पताल में न पानी न बिजली कुछ भी नहीं। ICU में मरीजों ने दम तोड़ दिया। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल के ICU में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमास की कोई भी अपील इसराइल पर असर क्यों नहीं कर रही, इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की यादें कैसे हर एक इसराइली को अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला दे रही है, वो वीडियो आपको भी जरूर देखना चाहिए। IDF के प्रवक्ता ने कहा है, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। इसराइल ने गाजा में बमबारी के लिए गाजा के किसी एक हिस्से को नहीं चुना बल्कि पूरी गाजा पट्टी को राख कर रहा है। दिक्कत यह है कि इस भयंकर हमले के बावजूद इसराइल वो हासिल नहीं कर सका है जिसके लिए वो 1 महीने से ज्यादा से युद्ध लड़ रहा है। उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ 150 हमास के लड़ाकों के मारे जाने की लिस्ट है। बात बाकी न इसराइल के हाथ अब तक कोई हमास का बड़ा लीडर लगा है न हमास का हेडक्वार्टर। अल शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मानकर घुसे इसराइल की सेना को अब तक वहां से कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है। ना तो कोई बड़ा सुरंग मिला है और ना ही कोई ऐसा इंटेलिजेंस सेटअप मिला है जिससे कहा जा सके कि हमास का वो कमांड सेंटर था। हालांकि इसराइल की सेना ने वहां से मिले हथियारों की तस्वीरें जारी की है, लेकिन उस पर भी सवाल उठने लगे हैं और दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी है। सवाल है, अल शिफा को इसराइल ने बलि क्यों चढ़ा दिया? इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। पहले इसराइल की सेना से कुछ सवाल आपके जेहन में भी उठ रहे होंगे।
जिसपे सबसे ताजा है अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने का इजराइल का दावा, क्या झूठा निकला? हमास के एक भी टॉप लीडर को पकड़ने में इजराइल नाकाम क्यों रहा है? 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजराइल अब तक गाजा पर कब्जे का ऐलान क्यों नहीं कर सका है? क्या इजराइल हमास की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल हो गया है? कहा जा रहा है कि इजराइल को अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बड़ा हेडक्वार्टर होने के सबूत मिलने की अभी भी उम्मीद है। इस उम्मीद का कारण बताया जा रहा है, अल शिफा अस्पताल को इजरायलियों ने 1970 के दशक में गाजा पर अपने पूर्ण नियंत्रण के दौरान बनवाया था और ये बहुत बड़ी जगह है जहां चप्पे चप्पे की तलाशी में काफी समय लगेगा। इजरायली आर्किटेक्टों ने अल शिफा को डिजाइन किया था, उन्होंने इसमें काफी बेसमेंट शामिल किए थे। इजरायल को इस अस्पताल के कोने कोने की जानकारी है। पश्चिमी मीडिया में खबरें छप रही हैं कि ये भी संभव है कि इजरायल डिफेंस फोर्स को अस्पताल में कुछ ऐसा मिला हो जिसे सैन्य या सुरक्षा के लिहाज से बताने से वो परहेज कर रहे हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो इजरायल को ऑपरेशन कंप्लीट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले का पता लगा पाने में भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। नतीजा, पूरा इजरायल रोया। दक्षिणी इजरायल के इस गांव में उस दिन 20 लोगों का कत्ल हुआ। हाई सिक्योरिटी कंक्रीट के बॉर्डर को तोड़कर हमास के लड़ाके गांव में घुस आए। उनके पास कंधे पर से फायर करने वाला रॉकेट था। हमास ने लोगों को जिंदा जला दिया। 7 अक्टूबर के उस क्रूर हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये भी सामने है कि घर उजड़ने के बाद उसे फिर से बसाने के लिए निकला इजरायल हमास के साथ कैसा सलूक कर रहा है और आगे कैसा सलूक करेगा। Obviously, there was no escape from this house, and the Jacobian villa got burned here to the ground. I mean, the house and everything around here, and it's a symbol to people who just, you know, woke up one Saturday morning and vicious terrorists come in and decided to burn everything, to burn their life down. And our victory will be to rebuild it. Our victory to make sure that it won't stay burned. इजराइल के इस नागरिक को और अल शिफा अस्पताल में बिस्तर पर पड़े किसी मरीज को युद्ध ने क्या दिया? इजराइल सैकड़ों बार कह चुका है कि किसी शरणार्थी शिविर या स्कूल या मस्जिद कुछ भी नहीं। हमास के आतंकियों के जहां होने का अंदेशा होगा, इजराइल हमला करेगा। इजराइल क्यों लड़ रहा है ये बहुत क्लियर है, लेकिन मासूमों की जान इसमें तो बचाई जा सकती है। युद्ध के बीच भी उम्मीदें जिंदा रखनी जरूरी होती है। यूएन के मानवीय मामलों के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ को सुनिए। हमारी मांग बहुत ही सरल है, जंग को रोक दें ताकि आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सके। आप चाहें तो इसे जो समझे, लेकिन ये सिर्फ मानवीय कारणों से कहा जा रहा है। हम चांद नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ कुछ बुनियादी बदलावों की मांग कर रहे हैं जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। इसराइल के पास युद्ध को रोकने का कोई कारण नहीं है। अल शिफा अस्पताल के अंदर घुसने या रिफ्यूजी कैंप पर हमले की निंदा इसराइल को किसी भी जगह हमला करने से नहीं रोक सकते। इस बीच जो भी राह में आएगा तबाह हो जाएगा। इसराइल ने एक कसम खाई है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा बचा है तब तक वो युद्ध लड़ेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में युद्ध के और भयंकर होने की आशंका है। इसराइल के हमले में लगभग पूरा गाजा खत्म हो चुका है, बस हमास के टॉप लीडरों की गर्दन बची है। इसराइल के रगों में बदले का खून प्रवाहित होता है। दुनिया के नक्शे पर यह एक ऐसा देश है जहां हर एक नागरिक मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुका है, उसे हथियार चलाना आता है, रॉकेट फायर करना आता है। हमास के पास इसके मुकाबले क्या है? कहा जाता है कि हमास ने 30,000 से 40,000 के बीच लड़ाके जुटाए हैं, लेकिन इन लड़ाकों के पास क्या वो हथियार हैं जो इसराइल की मॉडर्न सेना का सामना कर सके? कोई तुलना नहीं है इसराइल और हमास के बीच। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कहां है हमास को ऑपरेट करने वाले उसके लीडर जो इजरायली सेना के नाक में दम किए हुए हैं? हमास के इन टॉप कमांडरों या लीडरों को इजरायल की सेना क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? हमास को जमीन खा गई या आसमान निकल गया?
कहां गायब हो गया इस्माइल हानिया, कहां लापता है याजा सिन्हा। इस्माइल हानिया के एक ठिकाने पर इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से हमला किया। इजरायल की टॉप की सारी एजेंसियां हमास के संचालनकर्ताओं की लिस्ट बनाकर उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए घूम रही हैं, लेकिन अब तक नाकाम। इस बीच गाजा की गलियों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि मरने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा जा चुकी है। गाजा में अब अस्पताल भी नहीं बचे कि जान बचा सके। इजरायल ने फैसला किया है कि गाजा में हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजे जाएंगे। इसका इस्तेमाल यूएन के कामों, पानी और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। लेकिन जहां तक अस्पताल या स्कूल या मस्जिद पर हमले नहीं होंगे तो इजरायल नहीं रुकने वाला है। आईडीएफ ने शक होने पर उत्तरी गाजा के एक डे केयर सेंटर पर छापा मारा। सैन उस वक्त हैरान रह गए जब इस सेंटर के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत हथियार बरामद हुए। इनमें हजारों गोलियां, हैंड ग्रेनेड और ड्रग्स तक बरामद हुए। इजरायली फौज ने इसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए। आईडीएफ ने कहा कि इस सेंटर का नाम अल कार्मेल स्कूल ऑफ गाजा है। इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी हमास ने कोई एक दिन में नहीं किया है। सुरंगों का जाल बिछाकर जानबूझकर मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों से जोड़ा गया ताकि इजराइल के हमले से बचा जा सके। लेकिन आईडीएफ इसकी परवाह नहीं करता। उसे जहां भी शक होता है वो हमला करता है। कह सकते हैं कि पूरे 41 किलोमीटर लंबे गाजा पट्टी और 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गाजा में इजराइल की सेना मौत बनकर हर तरफ घूम रही है। गाजा के लोगों को अब किसी पर यकीन नहीं रहा है। अरब देशों ने गाजा के साथ ऐसी चाल चली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इस वक्त हमास को सबसे बड़ा खतरा इजराइल के बाद 2 देशों से लग रहा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि ये दोनों देश उसके सबसे बड़े मददगार माने जाते हैं। गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,000 लोग मलबों में दफन हैं। इजराइल किस तरह और कितनी तरफ से हमास पर टूट पड़ा है, इसकी रिपोर्ट करने की ताकत भी अब फिलिस्तीन के अखबारों के पास नहीं बची है। गाजा पट्टी के अंदर 40 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं और इजराइल फिलिस्तीन के अखबारों के पूरे नेटवर्क को ही तोड़ दे रहा है। इसीलिए अब गाजा पट्टी से वही खबरें सामने आ रही हैं जो इजराइल चाहता है। इतने बुरी हालातों के बावजूद भी 57 इस्लामी मुल्क गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों के जान और माल की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये साफ लग रहा है कि उत्तर गाजा में भारी कोहराम मचाने के बाद अब इजराइल अपना पूरा फोकस दक्षिणी गाजा पर कर रहा है। सवाल ये है, अगर उत्तर गाजा और दक्षिण गाजा दोनों में ही इंसानों के रहने लायक स्थितियां नहीं रहेंगी तो आखिर गाजा के लाखों लोग कहां जाएंगे।
ऐसे खतरनाक हालातों में अगर 57 इस्लामिक देश एक साथ खड़े होते तो निश्चित तौर पर इजराइल पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाता, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तरफ सऊदी अरब है जो हमास का समर्थन करने वाले लोगों पर हंटर चला रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान है जो दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं गाजा पट्टी के लोगों की बात करके भावुक हो जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का दौरा किया है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन इस पूरी वार्ता के दौरान आर्थिक मुद्दे पूरी तरह से किनारे नजर आए और दूसरे सभी मुद्दे गाजा पट्टी के तनाव के सामने छोटे पड़ गए। आखिर कैसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमास के पक्ष में पूरी इस्लामी दुनिया को एक करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं, ये पूरी हकीकत आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिस पर यकीन करना नामुमकिन नजर आता है। एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें सहानुभूति व्यक्त करने से भी रोका गया और सऊदी अरब की पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। सऊदी अरब के अंदर ऐसी एक नहीं और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हमास के समर्थकों पर सऊदी अरब की सरकार कड़कती बिजली की तरह टूट रही है। इस घटना ने पूरी इस्लामी दुनिया में एक हड़कंप सा मचा दिया है। दरअसल ब्रिटिश एक्टर इस्लाह अब्दुल रहमान उमरा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब के अंदर इस्लाह अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूति जताने के लिए एक फिलिस्तीन काफिया पहने हुए थे। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा कपड़ा होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चेक होते हैं। फिलिस्तीन का आंदोलन करने वाले बड़े नेता यासिर अराफात अक्सर फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे और ये फिलिस्तीनी काफिया एक तरह से यासिर अराफात की पहचान बन गया था। अब्दुल रहमान ने एक ऐसा ही फिलिस्तीनी काफिया सऊदी अरब के अंदर भी पहना हुआ था और इसीलिए सऊदी अरब की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और घंटों तक पूछताछ। सऊदी अरब की पुलिस ने ब्रिटिश एक्टर अब्दुल रहमान से यह पूछा कि वो कब से सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में वो कहां कहां गए हैं। अब्दुल रहमान को एक संदिग्ध की नजर से देखा गया। अब्दुल रहमान की उंगलियों के निशान देने के बाद उनको रिहा तो कर दिया गया। लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने मिडिल ईस्ट के एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा कि वो फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये करने नहीं दिया गया। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर गाजा के लिए प्रार्थना करने वाले एक अल्जीरियाई मूल के शख्स और बांग्लादेशी मूल के एक ब्रिटिश नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। बात एकदम साफ है कि सऊदी अरब का सऊदी राजवंश ये नहीं चाहता कि उसकी धरती पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन की संस्कृति का जन्म हो। सऊदी राजवंश को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो लोग आज फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे, कल उसकी ही सरकार के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए सऊदी राजवंश प्रोटेस्ट के कल्चर को ही पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, यही उसका एक टारगेट है। आमतौर पर ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसका पुराना नाम स्टेट ऑफ हिजाज था, लेकिन 23 सितंबर 1932 में जब सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सऊद ने इस स्टेट ऑफ हिजाज पर कब्जा किया तो उन्होंने इस इलाके का नाम बदलकर सऊदी अरब रख दिया। इसमें सऊदी शब्द सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सऊद का सरनेम है। शायद दुनिया की ऐसी पहली घटना होगी जब किसी राजवंश ने किसी देश पर अधिकार करने के लिए उस देश का नाम भी अपने राजवंश के नाम पर कर दिया हो। एक तरफ सऊदी अरब हमास के समर्थकों पर हंटर चला रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर रहा है
और उनको ये नसीहत दे रहा है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले एक महीने से लगातार आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इंसाना साइगमुज बिजिम। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बर्लिन का दौरा किया और इस दौरान उनकी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ हुई है। एर्दोगान आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बर्लिन आए थे, लेकिन सारा मामला खटाई में पड़ गया और सबसे ज्यादा मतभेद गाजा के मसले पर हो गया। जर्मनी को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की वो बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरी जिसमें एर्दोगान ने जर्मनी के इसराइल को किए जा रहे समर्थन को लेकर एक ऐतिहासिक तंज कसा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि जर्मनी इस अपराध बोध से ग्रस्त होकर के इसराइल का समर्थन करने के लिए मजबूर है कि दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ उसमें जर्मनी के तानाशाह हिटलर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। यही बात किस तरह तुर्की के राष्ट्रपति ने संकेत में कही, जरा सुनिए। Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihi hesabını veremeyiz. Onun için bir boşluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. बयान से बिल्कुल साफ है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है कि वो इसराइल का समर्थन करने को मजबूर हैं, जबकि इसराइल के तानाशाह ने यहूदियों का नरसंहार। नोट करने वाली बात यह है कि जर्मनी ने अब तक इसराइल को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के खिलाफ हमला शुरू किया, उसके बाद ही जर्मनी के चांसलर ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव का दौरा किया और उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात करके इसराइल को हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, जर्मनी हथियारों के तौर पर भी इसराइल की मदद करता रहा है और यही बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने जर्मनी के चांसलर के सामने उनकी मौजूदगी में गाजा के मुद्दे को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। Fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Ve yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek bu da haksızlık olur. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करने के लिए बाकायदा संस्थाएं बनाई थी और इन संस्थानों में पूरे यूरोप के अंदर करीब करीब 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। एडोल्फ हिटलर एक समाजवादी राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा के अनुयायी थे और हिटलर ने जो कुछ भी किया उसके बाद जर्मनी के अंदर कभी भी कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी उभर ही नहीं सकी। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि अगर हमास ने जो किया वो गलत है तो अब गाजा के अंदर जो इसराइल कर रहा है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी एर्दोगान के सामने ही हमास की निंदा की, 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले का जिक्र किया और हमास के पूरे खात्मे के इजरायली संकल्प को सही ठहराया। यानी अगर देखा जाए तो जर्मनी और तुर्की एक बातचीत की मेज पर जरूर थे, लेकिन उनके बीच बहुत भारी मतभेद है। Ich will das noch einmal unterstreichen. Für uns jedenfalls bleibt es dabei, dass es jetzt notwendig ist, auch für eine langfristige friedvolle Perspektive, dass die Hamas nicht mehr in der Lage sein kann, diese Aggressionshandlung vorzunehmen, wie wir sie am 7. Oktober gesehen haben. Wir sind, wie Sie merken, in guten Gesprächen miteinander, trotz unterschiedlicher Meinung. एक बात तो साफ है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक समेत पूरा फिलिस्तीन अकेले पड़ गया है और उनकी सुनने वाला या उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। तुर्की हो, मिस्र हो, ईरान हो या जॉर्डन हो, वो जुबानी खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं जुटाई है।
रियाद के अंदर सऊदी अरब की अगुवाई में इस्लामिक देश का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें गाजा पट्टी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। लेकिन इस पूरी बैठक के बाद भी घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया, यानी ये साबित हो गया कि इस्लामी देशों में गाजा पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब ऐसे में इसराइल के पास पूरी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों पर क्रूरतापूर्वक किया जा रहा है। इसराइल के खूनी हमले तेज होते जा रहे हैं और अब उसके टारगेट पर गाजा का वो इलाका है जो हमास का सबसे खतरनाक गढ़ माना जाता है। लेकिन इसराइल ने इस इलाके को भी रौंदना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि 4 लाख की आबादी रातों रात गायब हो गई। यूनिस पर खूनी हवाई हमले। छह हफ्ते की जंग में गाजा पट्टी खून की पट्टी बन चुकी है। इसराइल की प्रचंड बमबारी और जमीनी हमले में उत्तरी गाजा की 90% आबादी दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुकी है। उत्तरी गाजा में 1.5 से 2 लाख लोग बचे हैं, जो भयानक हमलों के बीच अब दक्षिणी गाजा की तरफ भाग नहीं पा रहे हैं। इजरायली सेना एक तरह से उत्तरी गाजा में जीत का ऐलान कर चुकी है और हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों का सफाया इजरायली सेना अब तक कर चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी युद्ध सरकार के आदेश पर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में जबरदस्त मिसाइल और हवाई हमले कर रही है। इजरायली सेना का दावा है, हमास के बहुत से लड़ाके और कमांडर फिलिस्तीनियों के साथ भागकर दक्षिणी गाजा में घुस गए। खास तौर से दक्षिणी गाजा में खान यूनुस शहर में सबसे ज्यादा हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना जमीन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर दक्षिणी गाजा के खान यूनुस शहर पर हमला कर रही है। मुर्दों के साथ भागे हमास लड़ाके। इसराइल ने गाजा के दक्षिणी भाग स्थित खान यूनिस पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 26 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने हमले से पहले गाजा स्थित खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली सेना ने कहा था कि अगर इस शहर को खाली नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद से इजरायली सेना ने फाइटर जेट और मिसाइलों से खान यूनिस पर हमला कर दिया। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायल के इस हमले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। दावे के मुताबिक खुद को बचाने के लिए पूरा परिवार दक्षिण गाजा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मृतकों में कई बच्चे और नवजात शामिल हैं, जबकि इजरायल का दावा है कि खान यूनिस में हुआ हमला खुफिया इनपुट के आधार पर किया गया सटीक हमला है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। हम आपको बता दें, दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस की आबादी 4 लाख है और अब इस शहर पर इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। במרתפים שמתחת לשיפה שומעים הערב היטב את רעם שרשראות הטנקים, את הדחפורים שנוגחים בשטח. הם שומעים מתחת לאדמה, שומעים ורועדים מפחד. צה"ל החל להשתמש גם בשיטות חדשות בימים אלה לטיפול במי שנמצא במנהרות וגם לחיסול של מנהרות. זה ילך וישתפר בימים הקרובים. כל כוחותינו עובדים על מנת למצוא פתרון. קבר מת שיפ גאי, חמאס כקמנדר. दक्षिण से उत्तरी गाजा की तरफ 9 से 10 लाख लोग भाग चुके हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अब तक 70 के करीब हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि उत्तरी गाजा से हजारों हमास लड़ाके फिलिस्तीनियों के वेश में भाग गए हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि एम्बुलेंस में रखे जनाजों के बीच हमास लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे हैं।
कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि हमास के कुछ कमांडर और लड़ाकों ने कब्रिस्तान में पनाह ले रखी है। इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास के लड़ाके कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ कब्र में लेटे हुए हैं। इधर आईडीएफ ने दावा किया है कि जब तक गाजा पट्टी से पूरी तरह से हमास के लड़ाकों का सफाया नहीं हो जाता है, तब तक हमास पर हमले होते रहेंगे। दक्षिणी गाजा में इजरायल का आखिरी युद्ध। मिडल ईस्ट और पश्चिम मीडिया की तरफ से जारी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो गाजा के लिए साक्षात नरक साबित हो रहे हैं। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। 50% से ज्यादा गाजा तबाह हो चुका है। 35,000 से ज्यादा इमारतें गाजा पट्टी में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा से 80% से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं और अभी भी भागने का सिलसिला रुका रही है। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में इजरायली हमले पूरी तैयारी के साथ शुरू हुए हैं। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה, לא יהיה חמאס. हमास के लड़ाकों के बीच इजरायल के कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमास के कमांडर और लड़ाकों के हर हमले और हरकत की खुफिया जानकारी इजरायल की खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं। जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके और कमांडरों की जानकारी का सिग्नल हमास के बीच छिपे एजेंट इजरायली सेना को देते हैं, उसके बाद इजरायल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी देता है, जिसके बाद सुरंग में मौजूद इजरायल के एजेंट एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं, जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास के 5,000 से ज्यादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने मार गिराया है। यहां तक कि 65 से ज्यादा हमास कमांडर इसी तरीके से इजरायल ने मार डाले हैं। इजराइल पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। इजराइल के साथ वही होने जा रहा है जिसका उसे डर था, क्योंकि ईरान से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका तक को डरा दिया है, बहुत डरा दिया है। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर गाजा के युद्ध का फैसला पलट गया। ईरान का बम फटेगा तो इजरायल ऐसे काउंटर करेगा। इजरायल को यकीन हो गया है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये है इजरायल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इजरायल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला होता है। एरो सिस्टम ने इजरायल को यमन से फायर की गई बैलिस्टिक मिसाइल से बचाया, लेकिन क्या यह सिस्टम अब ईरान के एटम बम से बचा पाएगा? क्योंकि ईरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खतरा इजरायल को सता रहा है। पूरे इजरायल में परमाणु बम का सायरन बजने लगा है, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। इस वक्त हमास के रॉकेट से ज्यादा खौफ ईरान की मिसाइल का है। क्योंकि अब उसमें परमाणु बम भी फिट हो सकता है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास अब इजरायल तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम बम।
ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। हालांकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे दावे इसराइल और अमेरिका लगातार करते रहे हैं। इसराइल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इसराइल की हां में हां मिलाता आया है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सुलग रहा है। ईरान से लेकर इसराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब, गाजा पट्टी में हो रही बमबारी ने पूरे अरब वर्ल्ड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इसराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले आया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के 400 सेकंड के अंदर इसराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल आयरन डोम से नहीं गिरा सकता। और ईरान का दावा है कि इसराइल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खबरें हैं, उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणु अड्डे पर सबकी नजरें हैं। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। ज्यादा बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, ये बात तो पुख्ता तौर पर अमेरिका भी मानता है, लेकिन इसराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इसराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणु बम है, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इसराइल के मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इसराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये दुश्मनी और खतरनाक हो जाती है। इसराइल, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. इसराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। Any threat to use nuclear weapons is inadmissible. This further illustrates the urgency and imperative to achieve the objective of a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction.
इसराइल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की बात भी करता रहा है। यही हाल इसराइल का है, जिसके नेताओं ने भी परमाणु धमकियां देनी शुरू कर दी है। गाजा में युद्ध के बीच अब वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसमें इसराइल और ईरान दो बड़े कैंप बनकर उभर सकते हैं। वैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में पहले ही बज चुका है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं और अब उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी ईरान और इसराइल अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान अब अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इसराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। हालांकि इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका को वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खास दबदबा रहता है। अमेरिका की नौसेना यहाँ तैनात रहती है, लेकिन ईरान पर नजरें रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी हो गया है।